आज उसी समय पर जब उसने देखा पहुंची तो वहां कोई पनिहारी जल भरने के लिए नहीं आई है। और क्या हुआ, अभी तक कोई पनिहारी जल भरने के लिए नहीं आई, सोच रही है और क्या कर रही है। कोई नजर नहीं आता है तो खींचने लगती है, वो जब रस्सी खींचने लगती है तो उस समय पर थोड़े समय बाद एक सखी आई, एक पनिहारी जल भरते हुए आई। और जैसे जाने देखो वो कहने लगी, अरे बहन आज इतनी जल्दी क्यों आ गई जल भरने के लिए। बोली बहना क्या करूं, मेरे पिया हल जोतने के लिए जा रहे थे, घर में जल नहीं था तो जल लेने के लिए आई थी, खिचड़ी बनानी थी। हमारे महाराज दादा ही पुणे देव पैसा उधर है, ले ले जा। और ये सुनील जो हमारे भतीजे हैं, और ये आयुष है छोटा बालक जो बेटी है हमारी, क्या नाम उसका, रजनी, उनका बेटा है आयुष, उसकी तरफ से 101 रुपए का हार भेंट हुआ है। मेरे गोविंद सुबालक को लंबी उम्र दे, जीवन में पढ़ लिख करके नाम रोशन करें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। और 10-10 रुपए समस्त स्टाफ को भी दे रहे हैं। बोलो कभी लोग भगवान की, याद रखना श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही वो सखी आई अब कहने लगी बहना इतनी जल्दी पानी भरने आ गई तू। हाँ बहन, अच्छा बहन तुझे पता है आज द्वारका में कितने बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं, कितने बुरे बुरे हैं, क्या है वो, बोले तो कुना है बताओ, नहीं क्या हुआ बता, तो बोली नहीं, ध्यान रखना उसके पति के सर पर हाथ रख के आइए दोनों, कसम खा के आइए कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। और अब क्या कर रही है, उससे कह रही है कि बहना मैं तो को बता दूंगी तो तू का उसे कह देगी। बोले ना बहन मैं का उसे नहीं कहूंगी, बोले नहीं तू कह देगी। बोले देख तेरे मेरे तेरे गोने को मेरे गोने को 6-6 महीना को अंतर है, बस ज्यादा अंतर ना है, तूने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई तो हमने उन्हें ना बताई, ये बात हम कैसे बता देंगे, बोल तू बता, नहीं बताएगी, बोल नहीं सुन। प्रसन्न देवर को किसने मारा है, किसने मारा है, बोले प्रसन्न देवर को ये द्वारकाधीश बनाओ बेटा, वक्त नहीं है, जाई नहीं मारो ओए मणि के लालच में आके नहीं है। सोई कहने लगी हाय राम, सोई हम कहती है ऐसो देवर को मलैया कांते आएगो, कोई बाहर की दुश्मनी में हती तो ऐसे मार डारो, ये कृष्ण कन्हैया जितनो अच्छो दिखत है ना और उतना ही अंदर से बुरा है ये, लेकिन बहना तो मेरी कसम है जी बात उठन से बाहर मत करियो,
ठीक है। अब बाबू चेन्नई पर वो गई अपने घर पर रख करके गड़ा और वहां जाकर उसने पानी रखा और दूसरी के घर में पहुंची, दूसरी के घर में पहुंची तो वो फिर रही मटा मटा फिर लगी बात कहने लगी बहना थोड़ी माचिस दे दो मेरे घर आग नहीं मेरे घर माचिस दे दो बहना तो बार की ले जा बहना बहन तुझे पता है द्वारका कितने बुरे बुरे कर्म है क्यों क्या हो गया बोले द्वारकाधीश कन्हैया ने प्रसन्न देवर घूम मरवा दो बोले अच्छा हाँ माने मठा मही छोड़ो तीसरी के घर पहुंच गई तो कुटिया आई जो मठा में धब 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 अब उसके बाद में वो पहुंची तीसरी के घर और वो जाके वो कार रही गैया गैया कारे बहना थोड़ी मुझे नमक दे दे मेरे घर नमक नहीं बहन अच्छा बहन रखा है वो ले जा बहना तुझे पता है क्या द्वारका में कितने बुरे बुरे कर्म है और गैया कार कितने बुरे बुरे कर्म है क्या हो गया बोले प्रसन्न देवर को कन्हैया ने मार डालो बोले तो गैया ने लात मारी सो हो गई है सुबह से संध्या तब हुई तब पूरी द्वारका में आग लग गई कि भगवान कन्हैया ने प्रसन्न देवर को मरवा दिया प्रसन्न सत्ताईस का जो भाई है उसे मरवा डाला अब ये बात भगवान ने क्या किया कि चौथा चंद्रमा देख लिया था इसलिए उन्हें ढूंढा कलंक लग गया ये सौ रुपये धैर्य बेटा है जो ये शोला बेटी है उनका सुपुत्र है मेरे गोविंद वाले बोल दीर्घायु दे जीवन में पढ़ लिख के नाम रोशन करे यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है बोलो गोविंद भगवान की जय हो याद रखना भक्तों अब सुबह से संध्या तक आग लग गई भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया गर्गा साजी ने मना किया था जो व्यक्ति चौथ का चंद्रमा देखता है उसे झूठा फलक लगता है श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राधे परिचित अब सुबह से संध्या काल हो गई लेकिन सारी द्वारका में आग लग गई क्यों लग गई कि उसने सारी बात बताई तभी तो कहते हैं कि औरत के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है और ये झूठी बात नहीं है भजन भी गाया है ना जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे कितनी प्यारी त्रिया हो पर भेद बताना और चाहे कितना बैरी भैया हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए ये बात सत्य है युधिष्ठिर का श्राप है इनको ये बात को छुपा नहीं सकती है और स्त्री जिस बात पर चर्चा करती है उसका निष्कर्ष भी खुद निकाल लेती है एक बात मुझे याद आएगी एक एक स्त्री रहे बातें तुम्हारे यहाँ कहा कहते हैं ज्यादा खर्चा खर्च का है कहा कहते हैं बातें चट्टू चटोरिया कहते हैं ऐसी रहे जो रोज चाउमीन पास्ता भल्ले खाए तो वो ऐसी रहे और रहे तो क्या करे कि वो पहले तुमने देखा होगा कोठेला होते कोठेला आप बड़े बूढ़े जानते हो देखे होंगे आज उसकी जगह पे टंकी चल रही है लोहे की टंकी जो है कोठेला होते और कोठेला में नीचे एक होता था आनो जिसमें से निकाला जाता था अनाज वो धानन पे भर रही उसके पति महाराज सीधे रहे किसान देवता उसने कहा कि हम कैसे जुगाड़ बने धान तो है गए अब वो कहा करे पति चले जाए खेत पे तभी वहां से निकाले धान कूटे दुकान पे देखा ले बच्चन ने भर के नहीं आ और ऊपर से घुसी डाल दे अब उसका ऐसे ही समय बहुत व्यतीत हो गया जब नीचे तक भूसी निकलने लगी सोई बाने आना बंद कर दो बानी हाय राम अब क्या करूं अब जो सुनेंगे तो मारेंगे वो मार पड़ेगी वो पे अब वो बड़े शक्कर में अब क्या करूं अब देखना क्या कर रही है अब उसने पति महाराज सोते थे खेत पर तो वहां ने कहा करो कि ये अब धान तो सब मैंने खा ले अब भूसी रह गई है केवल अब क्या युक्ति बनाई है इसने रात की हुई रात के 12 बजे और उसी समय जान सारी उतार के रख दी एक तरफ सारी खोल दी बाल छटका ले बाल छटका के और तय पे लई कारो जो जट जाने मोह पूरा कारो कर लो पूरा मोह कारो कर के और हाथ में ले लिए एक दराती हैसिया और दांत में दराती ले कर लिया जहां पति महाराज सो रहे वहीं पहुंच गई पति महाराज चादर ओढ़ के सो रहे चारपाई में लात मारी बाने जैसे ही अपना मुखड़ा खोलो और मैंने कारो कारो मुंह देखो हाथ में दराती देखी चुप 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 चुप
हाथ जोड़े के बानी, हे देवी तुम कौन हो? बोले मैं हूँ काली, उतने खून से कपड़ खाली। बोले हे देवी मोई छोड़ दे हो, जब मुस्तफा क्वार्टर 16 बंदा हुआ देख ले हो। बोल मैं हूँ काली, उतने खून से कपड़ खाली। बता तो एक खाऊं कि तेरे बैलन को खाऊं, ते कुठिला बजाने भूसी कर जाऊं। सोई बोलो हे देवी, न मोई खाओ न मोई बैलन को खाओ, तुम कुठिला बजाना तक बिना भूसी कर जाओ। चल चल डरा के मारे भैया बाकी धोती खराब है गई, बेचारे की बुखार आएगो भाई। चल चल उड़वाए दो ओबा ने घोड़ी के बेचारो भाई का नींद आ रही है। जाए के घर पहुंची मुंह धोए के नहीं आराम से बढ़िया तरह से सो गई। वो तो पैर फंसा, अब जे रात में 3 बजे आएगो उठ के नहीं। माने आए के उठ के भागी, माने माने पसीना पसीना पहुंचो मानी पिया का बात है। अरे देवी अभी तो तेरे ही भाग्य बचे आए हो, बाई ना मालूम तेरे भाग्य ना जी करी आई है, तेरे ही भाग्य बचे आए हो। तो आज कोई बचाने वाला नहीं था मुझे, इसलिए देख क्यों बोले काली मैया आई रात में, का बोली पिया? बोली कि मैं हूँ काली, खून ते कपड़ खाली। बोले भूसी है गए, बोले है गए। और बोली See you.